हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का मेरा मेकअप लुक है, एक मेकअप लुक ही है, वन ब्रांड मेकअप लुक है, वो भी है स्विस ब्यूटी। यानी कि कोई प्रोडक्ट मैं अपने मेकअप में आज जो भी यूज करूँगी वन वन ब्रांड का ही होगा, स्विस ब्यूटी का ही होगा, जो आप लोगों को बहुत बहुत पसंदीदा। और एक रिक्वेस्ट भी आया था कि मैं वन मेकअप ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करूँ स्विस ब्यूटी का, तो आपकी फरमाइश को पूरा हम लोग कर रहे हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो स्विस ब्यूटी के होंगे। स्विस ब्यूटी अच्छा ब्रांड है, और ऐसा नहीं कि महंगा सामान, सारे महंगे सामान होते हैं, सारे सस्ते सामान भी होते हैं, महंगे सामान सारे सामान होते हैं। तो मैं सभी को मिक्स करके देखूंगी, कुछ सामान आपके अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा आपको, सारे के सारे कुछ सामान अच्छे हैं, जिसमें से क्या अच्छे हैं क्या मुझे अच्छी नहीं स्विस ब्यूटी का, ये आप लोग को ये भी मैं बताऊँगी क्या आपको स्विस ब्यूटी का लेना चाहिए। जो भी मैं यूज करूँगी स्विस ब्यूटी का मेकअप प्रोडक्ट भी यूज करूँगी, उसमें से आप लोग को क्या लेना चाहिए क्या नहीं, जो भी मैं आप लोग से बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप। मैंने स्किन केयर पहले से कर रखा है, अब मैं प्राइमर लगाऊंगी। तो ये है स्विस ब्यूटी का प्राइमर है, शायद आप लोगों को दिख रहा है, स्विस ब्यूटी का बेस प्राइमर है, रियल मेकअप बेस है स्विस ब्यूटी हाइलाइटिंग प्राइमर। तो ये प्राइमर का वर्क तो नहीं करता, लेकिन फेस को हाईलाइट करता है ये। तो चलिए, ये इसका सीड है 10 नेचुरल। तो चलिए ओपन करते हैं इसे। सभी की प्राइस और सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसे मैं पहली बार आज यूज करूंगी जी, मेरे पास नहीं था, और बाकी सब प्रोडक्ट तो थे मेरे स्विस ब्यूटी का, लेकिन ये मेरे पास नहीं था। तो ये मैं ओपन कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से ये है। तो मैं थोड़ा सा ले लूँगी, अब मैं पूरे फेस पे लगा लूंगी, देखती हूँ। थोड़ा व्हाइटनिंग सा इफेक्ट दे रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद जी ये है, आपके स्किन के कलर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्किन कलर का आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपको व्हाइट दिख रहा होगा, और फेस, हाँ फेस ग्लो करने लगता है, थोड़ा सा हाईलाइट देख सकते हैं आप, फेस ग्लो करने लगा और व्हाइटनिंग इफेक्ट दे रहा है, जो थोड़ी देर में जाके ये सही हो जाएगा। इस तरह से मैं प्राइमर लगा ली। अब मैं स्विस ब्यूटी का ये भी अभी प्राइमर, और ये भी आप ले सकते हो स्विस ब्यूटी का, ये है एल्यूमिनेटिंग, ये भी ये हाईलाइट के लिए भी ले सकते हो, अगर फेस पर ग्लो चाहिए आप, हाईलाइटर का भी काम वर्क करेगा तो काफ़ी अच्छा है, ये भी आप ले सकते हो। तो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये, मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का है ये माउस फाउंडेशन प्राइमर, माउस फाउंडेशन ये है स्विस ब्यूटी का, ये भी है। इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, ये कैसा है ये देखते हैं। ये मेरे शेड से थोड़ा सा लाइट आ गया है, शेड नहीं ये सही, एक और मैं मंगाई थी वो मेरे सेट से लाइट था, ये 01 सेट मंगाई थी, ये 02 है, ये मेरे स्किन का सेट का है, ये है रोज ब्लस 012 सेट नंबर है। तो मैं थोड़ा सा ले लूंगी, डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगा लूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दे, कैसा लगा ये मेकअप लुक आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा कम लग रहा, थोड़ा सा और मैं ले रही हूँ, मेरे पास स्विस ब्यूटी का कंसीलर नहीं है, तो मैं इसे ही एज ए कंसीलर यूज कर लूँगी, दोबारा से यूज करूँगी अपने हाई पॉइंट पे। और ब्यूटी ब्लेंडर को मैं पानी में डैप करके लाई हूँ, और एक्स्ट्रा पानी को निकाल दे रही हूँ, फिर अच्छी तरह से आपके फेस पे ब्लेंड होगा ये। अब मैं उसी फाउंडेशन को एज ए कंसीलर तरह यूज करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है फेस का, और जहाँ जहाँ मुझे अपने डार्क सर्कल को हाइड करना है वहाँ वहाँ मैं इस फाउंडेशन को दोबारा से लगा लूँगी, क्योंकि मेरे पास स्विस ब्यूटी का कंसीलर नहीं था। अपने लिड एरिया पे भी लगा लूँगी एज ए
आई प्राइमर की तरह लगा लूँगी और फिर से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लूँगी, क्योंकि ब्लेंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लेंडिंग थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जितना अच्छा से ब्लेंडिंग करूँगी आपका मेकअप उतना ही फ्लॉलेस होगा। अब ये मेरा स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट है, ये कलर है आइवरी कलर है, ये स्किन के सेट का ही है। तो मैं और सारा सामान मैं ऑनलाइन ही मंगाई थी और मेरे स्किन सेट से मिलता हुआ सारा आ गया है। तो इस तरह से मैं इस एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से अपने फेस को अच्छी तरह से सेट कर देते, क्योंकि अच्छी से सेट रहता है तो आपका जो मेकअप होता है लॉन्ग के लिए। मुझे ये है स्विस ब्यूटी का ही है प्रो ब्लश एंड हाइलाइटर, ये तो मुझे मुझे काफ़ी पसंद है। मैं एक दो बार से यूज भी की हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हाइलाइटर और ब्लश इस पैलेट में दोनों। तो इसे हाईली 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 रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसे ले लो, आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग को भी पसंद आया। इसे मिरर भी दिया है तो काफ़ी अच्छा है, लगाने में भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं पहले चाहे इस कलर से मैं हल्का फेस को स्लिम कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास कंटूरिंग के लिए अलग से नहीं है, तो इसी से मैं करूँगी। इस कलर से कंटूरिंग फेस का हो सकता है, तो मैं कर रही हूँ थोड़ा फेस को इस कलर से कर रही हूँ। इसमें ब्लशर 3 जो ब्लशर दिए गए हैं वो है सिमर वाली है, 3 दो दिए गए हैं वो है मैट वाली, और ये 2 हाइलाइटर, तो काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं इसी पैलेट में से ब्लशर ले लूँगी, तो ये मैं ये वाली लेती हूँ, ब्लशर का ब्रश ये है, ये ब्रश भी मुझे काफ़ी पसंद है। इसका मैं शॉर्ट वीडियो में मैं ब्रश का अनबॉक्सिंग की हुई हूँ, तो आप लोग को देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रश है, आप लोग ले सकते हैं, ब्रश काफ़ी अच्छा है। अब मैं इस कलर से हल्का रोज पिंक कलर का है ब्लशर, इसी को मैं अपने चीक पे हल्का सा स्माइल करते हुए मैं इसी पैलेट से हाइलाइटर ये वाली ये दोनों को मिक्स कर लूँगी, नेचुरल पिंक कलर का ये है, ये दोनों को मैं मिक्स करते हुए अपने हाई पॉइंट्स पे ये स्विस ब्यूटी का है मेकअप फिक्सर, तो अपने मेकअप को अच्छी तरह से इस बेस को सेट करें। अब मैं अपने आईब्रो को सेट करूंगी, इसके हिसाब से स्पूल की हेल्प से अपने आईब्रो को अच्छी तरह से ब्रश कर लूंगी, ताकि आईब्रो फिलिंग करने में काफ़ी आसानी हो। इस तरह से दोनों को अच्छी तरह से ब्रश मैं कर लूँ। अब ये मेरा स्विस ब्यूटी का ये मेरा आईब्रो किट, यानी कि आईब्रो फिलर पाउडर बेस है, एक साइड में स्विस ब्यूटी का है, एक साइड में है जेल। तो मैं अपने उसमें ये ब्रश भी उसी में दिया उसके साथ ही दिया गया है, तो इस ब्रश के हेल्प से अपने आईब्रो को अच्छी तरह से फिल करूँगी। कभी भी आईब्रो का फिल करो तो हमेशा मिडिल से स्टार्ट करना चाहिए। इस तरह से मैं इसी ब्रश की हेल्प से मैं आईब्रो को अच्छी तरह से सारे शेप बना के उसका अच्छे से फिलिंग कर, फिर स्पूली की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड करूँ, ताकि मेरा आईब्रो जो एक जैसा दिखे, कभी कहीं कम कहीं ज़्यादा ना दिखे। ये मेरा स्विस ब्यूटी का ही मिनी आई शैडो पैलेट है, इसमें से मैं पिंक कलर का लेके अपने आउटर वी को डार्क करूँगी, एक्स्ट्रा जो भी है उसे मैं डस्ट आउट कर दूँगी। आउटर वी को डार्क करते हुए अपने क्रीज एरिया को डिफाइन कर लूँगी एज ए, इसे मैं एज ए ट्रांसपेरेंट कलर के रूप कर में काम करूँगी, और मैं अपने आउटर वी को भी शेप दे दूँगी। मैंने दोनों आई पे देखी, मैंने कर लिया है। अब मैं हल्का सा ब्राउन कलर का लेके अपने उसी पैलेट में से अपने आउटर वी को डार्क कर ली। अब मैं गोल्डन कलर का ये सिमर वाली उसी में दिया गया है, सिमर वाली आई शैडो है, जिससे अपने हाफ आईलिड को शेप बना दूँगी, हाफ कट क्रीज बनाऊंगी। मैंने कंसीलर से शेप नहीं बनाया है, तो मैं इसी आई शैडो से शेप देते हुए हाफ कट क्रीज बना लूँगी।
और ये आई शेडो पर छोटा सा है लेकिन काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा ये पसंद आया मुझे, बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। इसे मैं हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ, आई शेडो पैलेट भी आप ले सकते हो। उसी में से मैं सिल्वर कलर के सीमे वाली आई शेडो लेके अपने आउटर कॉर्नर को डिफाइन कर लूँगी, हाईलाइट कर लूँगी। और मैं ये स्विस ब्यूटी का ये मेरा 3D आई लैसेज है जो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल दिखता है, फॉल्स आई लैसेज में मैंने लगा लिया। अब ये मेरा स्विस ब्यूटी का आईलाइनर है तो फॉल्स आई लैसेज दिख सकते हो, बिल्कुल नेचुरल सा दिखता है, लगता ही नहीं है कि मैंने फॉल्स आई लैसेज लगाया है। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा 3D है, बहुत ज़्यादा अच्छा आई लैसेज है। अब मैं लाइनर लगा के, अब ये मेरा मस्करा भी स्विस ब्यूटी का है तो ये एक कोट में ही मस्करा आपका जो है बहुत अच्छा सा बड़ा बड़ा सा आपका लैसेज दिखेगा। तो मैं अपने लोअर लैसेज को भी मस्करा लगा ली। और अब ये उसी जेल से मैंने पाउडर बेस से आई प्रूफ फिल किया था, उसी में ये दोनों जेल बेस भी दिया गया। उससे मैं एज ए मेरे पास काजल स्विस ब्यूटी का नहीं था तो मैं इसी जेल को एज ए काजल की तरह मैं लगा लिया, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ये भी है। अब मैं ये लिपस्टिक, मेरा स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक है, शेड नंबर मुझे नहीं, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इससे अच्छी तरह से पहले अपने लिप को डिफाइन कर लूँगी, फिर इसके अंदर फिल कर लूँगी, देख सकते हो। तो ये लिपस्टिक हल्का सा ब्राउनिश चॉकलेट कलर का है। तो ये मेरा फाइनल मेकअप है, आप लोग देख सकते हो मैंने ज्वेलरी पहन लिया। तो आई होप ये मेकअप लुक आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम भी आप लोग फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम है मेकअप लवर 24 के नाम से ही है। तो आई होप ये मेकअप लुक आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हो ये भी कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या देखना चाहते हो आप नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।